कि हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि दादा लक्ष्मी चंद जी ने अपनी कलम से इस रागनी को लिखा और आज से 70-75 साल पहले ये बता दिया था कि आने वाला समय कैसा होगा, कैसा रहना सहना हो जाएगा, कैसा खाना पीना हो जाएगा और किस तरह का आदमी हो जाएगा। आइए सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से क्या बताया कवि। मेरे नया रंगी और नई रोशनी होगा, नई रोशनी होगी, नया जमाना होगा और जब नया जमाना होगा तो कैसा इंसान ढूंढे से नहीं मिलेगा। हर जती सती दिखे जती सती सत्वाती मन से तो है देना मानस तोहे देनो पाएगा। पहली कली में बताया कि किसका आदर मान होगा, किसका आदर मान नहीं होगा, कैसा खाना पीना हो जाएगा, क्या बताया। मेरे मात पिता और बुआ बहन का मात पिता और बुआ बहन का आदर मान रहे कोन्या मतरा नशा मांस का खाना सुन जल पान रहे कोन्या वेद शास्त्र रामायण गीता का भी ज्ञान रहे कोन्या गौ गोमती गायत्री का नाम निशान रहे गायत्री का साथ है वरण बहेंगे चारों छतरी वरण बहेंगे चारों छतरी सुंदर विप्र पाणी चारों वरण बराबर में रहे धन की गेल जानिए धर्म करनिया मरे कलयुग में जीवे जहर खानी है।
नहावेंगे उसे गंगा बीच नहाइए, ओठों के ऊंट कहावेंगे उसे गंगा बीच नहाइए। उस गंगा की परवा में लगो, गंगा की परवा में लगो, कुड़िया को तले जती सती सतवारी मास का हुक्म चलावे सासू बर्तन धोवेगी, पति ने छोड़ के वीर भाग जा नया ठिकाना ढूंढेगी। दादा पोते का खून मिले तलक हद होवेगी, दादा पोते का खून मिले ना इस तलक हद होवेगी। मेरे नकली पौध चढ़े घर घर में, ब्राह्मण सातु की सेवा कम ते कम हो जावेगी। दारू सुल्फा पीवन की अते सबके कम हो जावेगी। अर्जुन वो कहते हैं ना कि मैं मर्द हूँ, मेरी घरवाली मेरे सामने बोल नहीं सकती, उनका क्या होगा। हेरे इब तो मर्द खसम बन रे, फिर पीर खसम हो जावेगी। सिगरेट बीड़ी चाय पीने की आम रसम हो जावेगी। सिगरेट बीड़ी